भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि अंबानी अडानी के साथ अब स्वामी रामदेव की कंपनी के उत्पादों का भी विरोध किया जाएगा। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने रविवार को मकडौली टोल प्लाजा के नजदीक किसानों के धरनों में ऐलान किया। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। एक बार ये बात आई थी कि ये लगातार जो टोल फ्री अभियान है जब तक आंदोलन चलेगा तब तक चलेगा। एक आपने जो अंबानी अडानी और रामदेव का विरोध, एक तो जो टोल फ्री का प्रोग्राम था वो 26 तारीख तारीख का दिया गया था, लेकिन अब लोगों की डिमांड को देखते हुए उसको तब तक के लिए बढ़ा दिया गया है जब तक हमारा आंदोलन चलेगा। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, तब तक टोल फ्री रहेंगे। और दूसरा, अंबानी का, अडानी का और बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, वो हम सारी जनता से अपील करते हैं आपके माध्यम से कि वो उत्पाद ना खरीदें। जबरदस्ती किसी से नहीं करना, किसी की दुकान को जबरदस्ती ताला नहीं लगाना, किसी के पेट्रोल पंप के आगे खाइयां नहीं खोदनी, ऐसा कुछ नहीं करना कि जिससे झगड़ा हो, जिससे उपद्रव कोई नजर आए, लेकिन उसका सामान ना खरीदें, उनका हम सबका बहिष्कार करें। और एक बेनती ये की है कि आगे जो चुनाव आएगा, चाहे वो म्युनिसिपल का हो और चाहे वो पंचायतों का हो, जो भाई आंदोलन में सहयोग ना करे, जिसने आंदोलन में कोई हिस्सा ना लिया हो और वो भाई चुनाव में खड़ जाए तो उसको वोट नहीं डालना, बाकी किसी को डालने वो लोगों की मर्जी है। तो ये प्रोग्राम लिए हैं और जो आंदोलन है वो हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं जाते। अच्छा, 29 तारीख को सरकार ने फिर आपको बातचीत के लिए बुलाया है, तो क्या उम्मीद है कोई समाधान होगा? देखिए, बात के लिए जाएंगे लेकिन ये उम्मीद कम है कि हल होगा, क्योंकि सरकार जिस तरह से अपनी बयानबाजी कर रही है या जिस तरह से सरकार अपनी तैयारी कर रही है, वो एक तरह से मुकाबले की तैयारी कर रही है, ना कि और या गुमराह करने की तैयारी कर रही है। वो बात मानने की बजाय आंदोलन को लंबा टरकाने के फिराक में है कि कोई ऐसी गलती कहीं से पकड़ी जाए जिससे आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए और आंदोलन टूट जाए। अच्छा, पंजाब के एक मोगा के किसान है, युवा किसान, आज उन्होंने पीछे बॉर्डर पर उन्होंने अच्छा पंजाब मोगा के किसी युवा किसान है, जिन्होंने भी सुसाइड कर लिया है टिकरी बॉर्डर पर। ओहो, सॉरी, वकील है वो पेशे से। बड़ा अफसोसजनक है, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, कोई भाई आत्महत्या का कदम बिल्कुल ना उठाए, बिल्कुल ना उठाए। हम लड़ेंगे, हम अभी मरे नहीं है, कोई भाई ऐसा कदम ना उठाए। और कई लोग पहले कदम उठा चुके, हमें बहुत बहुत दुखदाई है। एक पहुंचा हुआ संत, एक महात्मा अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दे गया है, तब भी सरकार नहीं जागी है। आम आदमी की आत्महत्या करने से क्या ये दुष्ट सरकार जागेगी? ठीक, कोई भाई आत्महत्या ना करे, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी से, जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई दुखी होकर आत्महत्या ना करे। हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। मारेंगे।